महाराज धृतराष्ट्र की जय हो। प्रणाम स्वीकारें राजन। कौन, आमात्य? हाँ प्रभु, मैं ही हूँ। अंगराज कर्ण के विवाह मंत्रण जाने हैं महाप्रभु। युवराज दुर्योधन की इच्छा है कि प्रथम आमंत्रण आप स्वयं पितामह को दें। आनंद हुआ ये जानकर। लाओ, कहाँ है आमंत्रण पत्र? धात्री। हाँ, तूने उसे देखा? कैसे? वही जो अंगदेश की महारानी बनने जा रही है। नहीं, पर सुना है बहुत सुंदर है वो। सच? कहते तो सब यही है। धात्री, क्या ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि विवाह के पूर्व हम उसे देख सके? हाँ। अंगराज की जय हो। राजकुमारी दुशाला भेंट के लिए पधारी हैं। युरागी का स्वागत है। आपके अग्रज से कृपा प्राप्त है अंगराज, आपके लिए क्या शुभ करें? महावीर, आपको समीप से देखने की तीव्र इच्छा ही हमें यहाँ ले आई। आइए, आपकी माता से भेंट करता। निश्चित ही इस राजनिवास में तुरु कुमारी दुशालों को पाकर वे प्रसन्न होगी। मुझे बहुत आनंद मिलता यदि आपके साथ मैं कुछ समय बिता सकता, किंतु युवराज दुर्योधन के आदेश अनुसार मुझे एक महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना है। लीजिए, माता आ गई, मैं चलता हूं। देवी, आपके दर्शन करके हम सब सुखी हुए। युवरागी, आज्ञा करें, हम सब समर्पित जन आपको कैसे प्रसन्न करें? उस रात्रि गणनायक बहुम को अपनी पुत्र वधु कुंतला के साथ उस दिशा की ओर जाते देखा गया था। फिर वही समय था महाराज, और उस समय उस एकांत मार्ग पर और किसी को आते जाते नहीं देखा गया। इससे क्या सिद्ध होता है? नगर अधीक्षक ने गहरी जांच पड़ताल की है महाराज। बहुत से लोग अपने सगे संबंधियों के साथ नगर के अनेक मार्गों से आते जाते रहते, इसमें नया क्या है? किंतु वे दोनों अकेले देखे गए। और क्या? और वो समय भी ऐसा था जब सामान्यतः लोग उस मार्ग पर आते जाते नहीं है। हमने पूछा ना, इससे क्या सिद्ध होता है? किंतु वो अकेले थे। ठीक है, आगे। उसके पश्चात आप सभी ने कुंतला के मृत देह को देखा। क्या अंतर पड़ता है? तुम मूर्ख हो क्या? मात्र इतना कह देने से बहुल पर आरोप सिद्ध हो सकता है? सिद्ध होना तो दूर, ऐसा आरोप किसी गणनायक पर लगाना मूर्खता होगी। किंतु महाराज, इससे अधिक प्रमाण असंभव है। तो भूल जाओ इस बात को। हाँ तो बहुल। जी प्रभु। क्या कुंतला का मरना आवश्यक था? हाँ प्रभु, उसने परिवार की परंपरा के साथ राजधर्म को भी तोड़ा था। जितना प्रश्न है उतना ही उत्तर दो। जी प्रभु, उसे दंड मिलना आवश्यक था। हम मानते हैं दंड कुछ अधिक हो गया था। तुम चाहते तो ज्ञात कर सकते थे कि इससे पूर्व वो क्या क्या और कितनी सूचनाएं इधर उधर करती थी। यदि तुम मुतावलेपन से काम न लेते तो संभवतः वो तुम्हारे लिए भविष्य में अत्यंत उपयोगी साबित होती। भूले प्रभु। ठीक है, उसके पास जितना कुछ था वो ज्ञात किया जा चुका था। तो प्रभु, वो सब कैसे? ये सब बातें बाद में करेंगे। जी प्रभु, आज्ञा दें प्रभु। प्रणाम तात। अंगराज कर्ण अपनी पत्नी सहित आपके दर्शन करना चाहते आचार्य, और उनके साथ युवराज अपने बंधु बांधव सहित उपस्थित हुए हैं। आने दो उन्हें। जी आज्ञा।
आइए। प्रणाम गुरुदेव। सुखद जीवन आरंभ के लिए आशीर्वाद दें आचार्य। तुम्हारा जीवन सुखी और आनंदमय हो पराक्रमी सुत पुत्र, नवविवाहिता, धन धान्य और संतति सुख से परिपूर्ण हो। अंगराज कर्ण और उनकी नवविवाहिता, साथ में गांधासुर दुर्योधन आदि भी हैं। क्या निसंदेह वो आपका आशीर्वाद पाने की इच्छा से ही आ रहे हैं। धात्री तैयार हो जाओ देवी। मैं कैसे इतना सब पाकर उनसे कुछ कह सकूंगी, किस तरह किन शब्दों में। धैर्य से काम लो पांडव माता, सागर को भी अपनी गरिमा सहेजने के लिए सीमाएं बांधनी पड़ी हैं। किंतु हमारे परम मित्र अंगराज कर्ण अपनी पत्नी विशाली सहित माता कुंती से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। तुम्हारा जीवन सुखी और आनंदमय हो पराक्रमी सुत पुत्र, पराक्रमी सुत पुत्र, पराक्रमी सुत पुत्र। कवच कुंडल असत्य नहीं हो सकता। आचार्य भरे मुझे सुत पुत्र क्यों लगाए, वर्षा करें, दीर्घायु पुत्र। ये कैसा संबोधन है, कितना स्नेह, कितना ममता भरा। आपने कुछ कहा? हाँ विशाली, मुझे अनायास ही राजमाता कुंती का दिया हुआ आशीष याद आ गया। तुम्हें याद है उन्होंने क्या आशीष दिया था? कितने कोमल, कितने ममतामय शब्द थे, ऐसे जैसे उन शब्दों से स्नेह की ओस झर रही हो, ममता की मणिमाला मेरे गले में डाल दी गई हो। हाँ, माता कुंती बहुत दयामयी, बहुत कृपा। इतना ही नहीं विशाली, वे माता ही हैं। उस पल तो मुझे ऐसा लगा मानो मानो वे ही मेरी माता। पुत्र कहा था उन्होंने, मुझे अपना पुत्र कहा, पुत्र। वो शब्द नहीं थे विशाली, उसी पल जन्मे किसी बालक के बदन को सहलाता माता का दुलार था। विशाली और कर्ण ने खाना खाया? वसु अब पहले जैसा वसु नहीं रहा। क्या हुआ? अब वो अंगराज बन गया है, एक राजा। और तुम तो खूब जानते हो कि एक राजा का व्यवहार साधारण व्यक्ति का सा नहीं रह पाता। वसु भी अब कुछ वैसे ही करने लगा है। तो क्या हो गया भाई, राजा तो है वो। मुझे ये बिल्कुल नहीं सुहाता। बहुत क्रोधित लगती हो। क्रोधित नहीं, दुखी हूं। क्यों? अब राजा हुए तो क्या हुआ, हर घटना का बोझ अपने तनवन पर ढोए हुए थोड़े घूमना होगा। अब कहते हैं कि दूर मथुरा में कुछ हुआ है, और ये वसु है कि युवराज दुर्योधन का संदेश पाते ही भोजन करते करते बीच में ही उठकर चला गया। हंस क्यों रहे हो? वो वृषाली बिचारी कब से उनकी राह देख रही है।
अब तक भूखी बैठी है। उसे कहो कि खाना खा ले। मथुरा की खबर पाकर गया है ना कर्ण, तो जरूर कृष्ण की कोई बात होगी, उसे देर लगेगी। उसे कहो व्यर्थ में भूखी ना रहा करे, राजकाज में सब चलता रहता। अतिरिक्त किसी और को भी वहां बसा रखा है? बसाया नहीं था। आप वहां आप मन के किसी कोने में आदुक करें। मैं भी तो जानू कौन है वो। बहुत छलना है बेचारी, जाने कितने नाम रूप हैं उसके। अब यही तय नहीं कर पा रहा हूं कि क्या नाम दे दूं। क्यों, क्या हुआ? निष्ठुर हो तुम, अपनी पत्नी के सामने सहजता से स्वीकार रहे हो कि किसी और को पहले से ही मन के किसी कोने में छिपा रखा है। अब मेरी बेबसी पर हंसी भी आ रही है। हंसू नहीं तो क्या करूं, तुम तो मन और विचार के पुरुष को लेकर ईर्ष्या करने लगी। पुरुष? हाँ पुरुष। तुम किसी पुरुष को लेकर सोच रहे थे? नहीं क्या, आज समस्त भरतखंड उसी को लेकर सोच रहा है। हर स्त्री पुरुष, यहां तक कि बालक भी उसी को लेकर सोच रहे हैं। पर ये है कौन, मैं भी तो जानूं? अब यही तो कठिन है। क्या, उसका नाम बताना भी कठिन है? हाँ विशारी, नाम बताना। न जाने कितने नामों कामों से पहचाना जाता है वो। मैं भी यही सोच रहा हूं किस नाम से जानो। पर जानना अवश्य पड़ेगा। ये तो कहो कि वो है कौन। अब कैसे कहूं, क्या कहूं? कोई उसे उगाले का बेटा कह के बुलाता है, तो कोई कहता है जितना मनमोहक है उससे कहीं अधिक सुरीली बांसुरी बजाता है। किसी ने तो उसे एक दीनहीन ब्राह्मण सुदामा का परम मित्र बताया, तो किसी किसी ने उसे एक बालन राधा का सखा प्रचारित कर दिया है। हाल ही में सुना है कि अद्भुत बलशाली है वो, मथुरापति बन बैठे महाशक्तिशाली कंस का उसने मात्र मुष्टि प्रहारों से वध कर डाला। कुल मिलाकर एक रहस्य बन गया है वो। लोग उसका मूल नाम कृष्ण बताते हैं। देखती हूं कि उस कृष्ण ने तुम्हारे मन मस्तिष्क में अथाह स्थान बना लिया है। मेरे ही क्या, न जाने कितनों के मन पर सघन घटा बनकर छा गया है वो। क्या करूं, उसे लेकर चर्चा ही ऐसी सुन रहा हूं। अभी तक तो मात्र यही सुना था कि कृष्ण या कान्हा, मालूम नहीं लोगों ने कितने नाम दे रखे उसे। बहुत ही आकर्षक, मोहक, सुंदर और छलिया युवक है। लेकिन आज सुनी घटना ने तो मन झकझोर दिया मेरा। जी चाहता है कि पंछी बनकर गोकुल ग्राम के आकाश में उड़ूं और कृष्ण को देखूं। ऋषि,
तुम किस सोच में खो गई? वही तुम्हारे कल्पना पुरुष को लेकर। क्या? यही कि जब तुम जैसे महावीर को वो कृष्ण चकित कर सकता है तो वो सचमुच कैसा होगा? अद्भुत, अलौकिक या चमत्कारिक? बहुल जी, तुम्हारी सूचनाएं कुछ कुछ चकित करने वाली है। पहली बार ये सब सुन जानकर मैं भी आप ही की तरह विस्मित और चकित हुआ था महाराज, किंतु जब मैंने इस बारे में प्रमाण पा लिए तभी मैं आपको सूचित करने आया। तो तुम्हारे अनुसार उस बालक ने उस भरी सभा में महाबलशाली कंस को मुष्टि प्रहार से मार गिराया? हाँ प्रभु, केवल इतना ही नहीं, तत्पश्चात कृष्ण ने मथुरा में बंदी बने पड़े वृद्ध महाराज उग्रसेन को पुनः राज सिंहासन पर बिठाया। आदर्श, अद्भुत त्याग। महाराज उग्रसेन कृष्ण के नाना है ना? हाँ पूज्य। सुंदर, अति सुंदर बहुल। इस अवसर पर महाराज धृतराष्ट्र क्या करने जा रहे हैं? रात्रि को महाराज ने गांधार पति शकुनी, युवराज दुर्योधन, अमात्य विश्वकर्मा, आचार्य कनक और अंगराज कर्ण आदि से चर्चा करके मित्र राज्य के नाते मथुरा के प्रति हस्तिनापुर क्या करे इस बात पर विचार विमर्श किया था। इस बात पर विचार विमर्श किया, लेकिन कोई निष्कर्ष निकला या नहीं? सभा देर रात तक चली महाराज, सहमतियों और असहमतियों के अनेक विचार भी आए। अब सुना है कि महाराज औपचारिक रूप से एक बड़ी सभा करके ये निर्णय करेंगे कि यहाँ से क्या करना उचित रहेगा। सहजे महाराज की सम्मति हेतु आपको सबसे पहले आमंत्रण आएगा। आगे गांधार राज महावीर कर्ण और राजमाता गांधारी की यही सम्मति थी कि इस संबंध में सबसे पहले आपकी राय जान लेना आवश्यक है। आओ संजय, आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। प्रणाम पूछे। दीर्घायु भव। अब मैं चलता हूँ प्रभु। नहीं भव, तुम यहाँ रुको, मेरी प्रतीक्षा करो। जो आज्ञा। कहो संजय, मथुरा पर सत्तासीन हो जाने वाले कंस के बारे में तुम्हें भी कुछ सुनने और जानने को मिला? हाँ महात्मन, सब सुना है मैंने। ये जो व्यक्ति है ना कृष्ण, इसके विषय में जो भी सूचनाएं मुझ तक पहुंची हैं उनको जानने के पश्चात कंस के वध की घटना विचित्र नहीं लगती। सुनकर प्रसन्नता हुई संजय, इसलिए अधिक क्योंकि कंस ने सत्ता और शक्ति के मोह में मात्र गणराज की परंपरा को ही नहीं तोड़ा बल्कि श्रेष्ठ राजनीतिक व्यवस्था को भी क्षति पहुंचाई, जो समस्त भरतखंड में एक आदर्श की तरह स्थापित हुई थी। इस कृष्ण के साथ अपूर्व जन समर्थन है पितामह, यहां तक कि बहुत से लोगों ने उसे ईश्वरीय शक्ति के रूप में स्वीकारा है। जानता हूं संजय, अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? महाराज की सम्मति तो यही है कि यादवेंद्र कृष्ण को बधाइयां दी जाएं, महाराज उग्रसेन को हस्तिनापुर की ओर से मैत्री संदेश भिजवाए जाएं और देवी कुंती के मथुरा संबंधों की याद दिलाते हुए कौरवों और पांडवों के प्रति उनकी आत्मीयता जगाई जाए। यही उचित है, सामाजिक राजनीतिक और पारिवारिक स्तर पर यही उचित है। किंतु पूज्य कुमार दुर्योधन इस सारी घटना को मात्र एक संयोग समझ रहे हैं। ये उनकी बुद्धि का संयोग है या शकुनी का योगायोग? अब मैं क्या कहूं भगवान, कहने की आवश्यकता नहीं है संजय। इस समय हस्तिनापुर की ओर से मथुरा के प्रति नए राजनीतिक संबंधों को लेकर महाराज उग्रसेन और कृष्ण के लिए सम्मान संदेश भेजना चाहिए। मेरा भी यही विचार है पितामह। अच्छा तो अब मुझे आज्ञा दीजिए। आज्ञा है संजय। विशाली, 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 माता आप? विशाली कहाँ है? दुशाला आज उसे अपने साथ राजसभा दिखाने ले गई थी, उन्हीं के साथ होंगी।
ओ, आश्चर्य, तो वृषाली आज राज्यसभा में थी? हाँ, आज मैं पहली बार राज्यसभा में गई थी। और एक बात बताऊं? कहो। आज पहली बार मैंने राजमाता कुंती को इतने पास से देखा। सचमुच कितनी सुंदर, कोमल और कितनी ममतामयी है। सच? और उनका स्पर्श तो ऐसे है जैसे किसी मेघ को बरसने से पहले कोई अपनी मुट्ठी में पकड़ने का यत्न कर रहा हो। कितना कोमल, कितना मधुर। तुम्हें तुम्हें उन्होंने स्पर्श किया विशाली? लेकिन तुम उनके इतने पास पहुंची कैसे? मैं दुशाला देवी के साथ जाकर स्त्रियों की सौध में बैठ गई। पता नहीं कैसे राजमाता की दृष्टि मुझ पर पड़ गई। फिर बोलो बोलो, फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने हाथ के संकेत से मुझे अपने पास बुलाया। फिर मैं उनके पास पहुंची, उनको प्रणाम किया तो उन्होंने मुझे अपने पास ही बैठा लिया। आगे कुछ बोली? बोली कुछ नहीं, बस बहुत प्यार से अपने हाथों को मेरे सर से फेराया। ऐसा लगा जैसे किसी छोटे से बच्चे को दुलार रही हूं। कुछ तो बोली होगी। आगे कुछ नहीं, अब क्या क्या बताऊं? बोलो अनुशली, कुछ तो हुआ होगा, कुछ बोली तो होंगी। हर एक बात पुरुषों को नहीं बताई जाती। विशाली, कैसी हो तुम? जी अच्छी हूँ। अंगराज प्रसन्न रखते हैं ना तुम्हें? विशाली, देखती हूँ तुम कुछ आज ज्यादा ही लज्जा रही हो। नहीं तो कहीं अंग देश का होने वाला नन्ना युवराज तो छिपा कर नहीं ले आई हो? आप भी युवराज की सच है ना विशाली? आप तो सब जान ही रही है।